नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश। आज इस वीडियो में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि कमेंटों में सबसे ज्यादा बहुतायत होती है कि केवीएस का रिजल्ट कब आएगा, और इसका पूछने का लॉजिक भी है दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे डेट आगे बढ़ती चली जा रही है, प्रेडिक्शंस होती जा रही हैं, पर अभी तक केवीएस के रिजल्ट के बारे में दूर दूर तक कोई खबर नहीं है। तो इस वीडियो में मैं तथ्यात्मकता से ज्यादा एकदम क्लियरिटी के साथ बात करूंगा कि कितनी मैक्स टू मैक्स डेट आगे खिस सकती है। इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, पर यहां भी मैं वही सेम चीज रिपीट करूंगा, और 99% चांसेस है कि आपका रिजल्ट उस तक डेट तक आ जाएगा। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसने वाकई में इरिटेट करके रखा है एक बीएड धारक को, क्योंकि एक वायरल न्यूज हुई है, 2 से 3 दिन से लगातार वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि केवीएस के पीआरटी से बीएड वालों की एलिजिबिलिटी चली जाएगी। बीएड के फर्स्ट पेपर से जब उनकी एलिजिबिलिटी चली जाएगी तो डेफिनेटली पीआरटी से एलिजिबिलिटी जा सकती है। इसके पीछे एक पेपर की कटिंग लगा लेते हैं, वही पढ़ के बता देते हैं, पर इसके पीछे के ट्रुथ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। तो जो लोग परेशान हो रहे हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूं कि ऐसा अगर होता है तो क्या डिसएडवांटेज होंगे, और पहली बात ऐसा होने के चांसेस कितने परसेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको सिर्फ ऑथेंटिक और जेन्युइन चीजें देखने को मिलेगी, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन हम अपने इस चैनल पर अपलोड नहीं करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस न्यूज की जिसमें बता रहे हैं केवीएस के पीआरटी से एलिजिबिलिटी जाने वाली है। दोस्तों अगर बात करें उस टाइम की, जब केवीएस का नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि जिन्होंने बीएड किया है, सीटेट का फर्स्ट पेपर पास है, वो एलिजिबल होंगे केवीएस के पीआरटी के एग्जाम को देने के लिए। ऐसे में आप सभी लोगों ने, मतलब जितने स्टूडेंट थे जो सीरियस थे पढ़ाई के प्रति, उन लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ तैयारी की। कुछ नहीं, अगर 3-4 महीने भी शिद्दत से तैयारी की है तो उन्होंने अपना एक बहुत कीमती टाइम इस पेपर को पास करने में लगाया है। और बच्चे 135-140 तक नंबर लिए बैठे हैं, अभी कट ऑफ नहीं आया, पर एक पक्की क्लियरिटी है कि इस लेवल तक के लोगों को कट ऑफ में ऊपर जाएंगे और उन्हें इंटरव्यू का मौका मिलेगा। पर कहीं ना कहीं ये न्यूज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रही है उन लोगों को। मैं एकदम क्लियर कट बता दूं दोस्तों कि जब अपना केवीएस ने ये नोटिफिकेशन निकाला था, तो उसमें कहीं ऐसी चीज मेंशन नहीं की थी कि उनकी एलिजिबिलिटी चली जाएगी। हाँ, फ्यूचर में आने वाली वैकेंसीज के साथ ऐसा हो सकता है, पर आज की डेट में जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, जिसका आप एग्जाम दे चुके हैं, उसमें आपके साथ इतना बड़ा धोखा नहीं किया जाएगा। ये तो अप्रोक्सीमेटली 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो न्यूज में बता रहे हैं कि एलिजिबिलिटी चली गई, उसके आगे की बातें कोई नहीं बता रहा, क्योंकि उन्हें शायद पता ही नहीं है या सिर्फ वीडियो बनाने से मतलब है। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो जाइएगा कि अब की बार पीआरटी से अगर आप कट ऑफ के ऊपर आ रहे हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी कहीं नहीं जाने वाली, आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा अगर आप इंटरव्यू पास करते हैं। हाँ, इन फ्यूचर इस चीज को हटा सकते हैं, वो आगे आने पर देखा जाएगा, वो पहले ही नोटिफिकेशन में मेंशन करेंगे, जो अगर ऐसा करते हैं तो वो चीजें पहली बात क्लियर होंगी, पर इसमें ऐसी कोई क्लियरिटी नहीं थी। इसमें जो चीज क्लियर थी वो प्रोसेस में चल रही थी, और बीच में अगर ऐसे डिसीजन आते हैं तो उसका इम्पैक्ट इस वैकेंसी में तो 100% नहीं पड़ेगा। और बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि 0.001% अगर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा एक बहुत बुरी चीज होगी उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत के बाद अपने इस गोल को अचीव किया है, और अब सिर्फ लास्ट पड़ाव बाकी है, और वो है इंटरव्यू का। और ऐसे में अगर उनके हाथ ये नाउम्मीदी आएगी, तो अगर इसका सबसे पहले कोई विरोध करेगा तो मैं उसका सबसे पहले विरोध करूंगा, क्योंकि बच्चों ने बहुत शिद्दत के साथ मेहनत की है। आप सभी लोग जानते हैं कि केवीएस का पेपर कोई हलवा पेपर नहीं आया था कि जो चाहे वो हल कर ले, सबने पेपर दिया है, पता था पेपर का लेवल क्या है, और जिन्होंने 125, 130 और 140 नंबर पाए हैं, उनकी मेहनत अपर लेवल की रही है, बहुत अच्छे लेवल की रही है। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि उनको ऐसी नाउम्मीदी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएगा कि अगर आपके कट ऑफ के ऊपर आते हैं, तो डेफिनेटली आपको केवीएस के पीआरटी में नौकरी करने की पूरी एलिजिबिलिटी मिलेगी। इसमें 1% भी कोई भी डाउट नहीं है, मैं आपको एकदम साफ और स्पष्ट शब्दों में बता दूं। अब दूसरी बात करते हैं कि केवीएस का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर बहुत सारी प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि कब रिजल्ट आएगा भाई, कब आएगा,
और इंटरव्यू की जो तैयारी में लगे हैं वो भी अब तैयारी धीरे धीरे ढीली पड़ रही है, क्योंकि अभी तक कुछ चीजें समझ ही नहीं आ रही है कब आएगा। पहले था कि अप्रैल में होगा, अब लग रहा है कि अप्रैल के बाद मई में जाएगा। तो अब एक मैं आपको पहले भी डेट बता चुका हूं कि जो सीटेट वाला मामला चल रहा है कोर्ट का 12 तारीख का, उसका पूरी पूरी उम्मीद है कि 12 तारीख तक जजमेंट आ सकता है। तो अगर वो जजमेंट आता है उसके बाद पीआरटी का ये प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। पर मैंने पहले भी कहा था कि आपके 10 तारीख से या 11 तारीख से रिजल्ट आने और शुरू हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले जो उम्मीद की जा रही है वो की जा रही है कि आपको 2 से 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 दिन के अंदर अंदर टीजीटी का रिजल्ट देखने को, कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो आप इंतजार की उम्मीद यही कर रहा हूं कि ये घड़ियां बहुत जल्दी समाप्त होंगी, सबको मौका मिलेगा इंटरव्यू देने का, सबको एलिजिबिलिटी अपनी दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगर आप लोग इंटरव्यू के उस लेवल को पार कर रहे हैं दोस्तों, मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन में कोई कमी ना छोड़े, क्योंकि ये कोई बिल्कुल आसान चीज नहीं है कि आपको लग रहा है कि पेपर निकाल लिया है तो इंटरव्यू भी उतना आसान होगा। पेपर निकालना एक अलग चीज हो जाती है, एक अलग स्ट्रेटजी के साथ पेपर निकाले जाते हैं, पर इंटरव्यू एक अलग स्ट्रेटजी के साथ खेली जाती है। ये एक तरीके से ये मानिए 2 डिफरेंट गेम्स हैं कि आपको एक में अलग तरीके से परफॉर्म करना है और दूसरे में अलग तरीके से परफॉर्म करना है। और उन बच्चों के लिए खास सजेशन जो हमेशा कमेंट में कहते हैं कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने उनको सबसे बड़ा एक मूल मंत्र देकर रखा है कि इंग्लिश कितनी भी कमजोर हो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन को ऐसे तैयार कर लीजिए, वो भी इंग्लिश में तैयार कीजिए कि आपसे कोई सोते में पूछ दे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इन दैट कंडीशन आप एकदम फ्लुएंसी के साथ अपने नाम से लेकर हॉबी तक एकदम बिना रुके कंटिन्यूअसली चलते चले जाएं। इस लेवल का आपको इंट्रोडक्शन तैयार करना है। उसके बाद आपकी इंग्लिश वीक है तो वो चल जाएगी, क्योंकि वो बीच का पार्ट होगा, क्योंकि इसके बाद जो आपका कन्वर्सेशन होगा उसमें कैसे ना कैसे आप उस सेक्शन को मैनेज कर लेंगे। पहला इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन ये बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। इसके बाद डेमो क्लास के लिए मैं कह चुका हूं दिन में 3 से 4 बार डेमो की प्रैक्टिस करिए, मतलब एकदम शार्प हो जाइए, परफेक्ट हो जाइए। किताब खोलिए, रैंडमली पेज खोलिए, जो पेज निकल कर आए आधे घंटे 15 मिनट उसको तैयार करिए, और उसके बाद एक ब्लैक बोर्ड ले लीजिए। कोई ब्लैक बोर्ड ना हो तो आप एक चार्ट ले सकते हैं, उस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन 2 चीजों को आप अपनी मजबूत कर लीजिएगा दोस्तों। मेरी गारंटी है कि अगर आप इन चीजों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये मानिए कि अगर आपके चांसेस पहले सिलेक्ट होने के 70% थे तो इन दोनों को पढ़ने के बाद आपके चांसेस 90% प्लस हो जाएंगे। तो ये तो आपके इंटरव्यू के टिप्स हो गए। इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं मैं इंटरव्यू के ऊपर प्रॉपर सिस्टमैटिक वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली दूं तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, मैं इनके प्रॉपर आपको वो गाइडेंस वीडियो दूंगा जिनसे आपकी इंटरव्यू स्किल इंप्रूव हो पाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो पाएगी। और धीरे धीरे आप जैसे अभी से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 1-1.5 महीना जरूर मिलने वाला है। शुरुआत में है तो ये मानिएगा मई के 2nd या 3rd वीक से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, कम से कम 1 महीना तो आपको जरूर मिलने वाला है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरी शिद्दत के साथ जैसे आपने एग्जाम की प्रिपरेशन की थी ऐसे ही इंटरव्यू की तैयारी करें, क्योंकि इंटरव्यू बिल्कुल भी खेल और बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तो अब आपके ये दोनों डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करके ऑल की बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं जिसमें आपको कोई भी फर्जी या ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगी जिससे आप खुद कंफ्यूज हो और डीमोटिवेट हो। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ।